बारिश का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर मौसम खबर बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये तस्वीर मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो सकती। गिरती तो आई भी तुम्हारे लिए नफरत लेकर। यही नफरत मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देती है। आसमान में उड़ने और जमीन से जुड़ने की एक रोमांचक कहानी। चेतावनी देता हूं सबको कि आज से विष्णु की पूजा कोई नहीं करेगा। एक ही ईश्वर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे कपास, चना, गेहूं, अलसी, गुड़, लहसुन और मेथी दाना की। इसके अलावा भी कई और जीन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गुजरात के विसनगर मंडी में 1,080 रुपए गिरा कपास का भाव, जबकि धोल मंडी में 700 रुपए उछल कर 9,450 रुपए पर बिकी कपास। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कपास से। चालू खरीफ सीजन में कपास की बुआई आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 सितंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ कपास की बुआई बीते साल के मुकाबले 8,01,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। साल 2022 के दौरान खरीफ कपास की बुआई 2,25,59,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2021 के दौरान खरीफ कपास की खेती 1,17,68,000 हेक्टेयर में पाई गई थी।
हो पाई थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक कहीं कम तो कहीं ज्यादा देखने को मिल रही है। वहीं बात गुरुवार की करें तो कपास के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला, कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान कपास के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की विसनगर मंडी में 7 सितंबर को कपास का भाव रहा 11,780 रुपए। 8 सितंबर की बात करें तो इसके भाव में 1,080 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 10,700 रुपए। जबकि राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। आगे आपको ये भी बता दें कि यहाँ 7 सितंबर को कपास का भाव था 10,165 रुपए, 8 सितंबर को इसके सौदे 585 रुपए उछलकर 10,750 रुपए पर हुए। जम्बूसर मंडी में 7 सितंबर को कपास का भाव रहा 5,300 रुपए और 8 सितंबर को इसके सौदों में 300 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 5,000 रुपए पर आ गया। हालांकि जसदण मंडी पर नजर डालें तो बीते दो दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहां 7 और 8 सितंबर को कपास 9,250 रुपए पर बिका। वहीं धूल मंडी में इस दौरान कपास के भाव में मजबूती देखने को मिली। 8 सितंबर को यहां कपास के भाव में 700 रुपए का उछाल आया और भाव जाकर पहुंच गया 9,450 रुपए पर। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान कपास की पैदावार में 40,45,000 टन गांठ की कमी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2021-22 के दौरान 3,12,03,000 टन गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,52,48,000 टन गांठे रही थी। तो अभी बात की हमने कपास की, आइए रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। गेहूं के भाव में रही तेजी, गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 2,365 रुपए पर हुए सौदे और घरेलू स्तर पर 137 लाख टन हो सकती है चने की पैदावार। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मंडी में 5,300 रुपए पर बिका चना। और आइए बात करते हैं गेहूं की। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों की अगर बात करें तो इसके भाव में नरमी देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात के सिद्धपुर मंडी में 7 सितंबर को हाइब्रिड गेहूं का भाव रहा 2,405 रुपए, 8 सितंबर को इसके भाव में 40 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,365 रुपए पर आ गया। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। आपको बता दें कि यहां 7 सितंबर को इसका भाव था 2,245 रुपए और 8 सितंबर को इसके सौदे 10 रुपए मजबूत होकर 2,255 रुपए पर हुए। इसी तरह राजस्थान के कोटा मंडी में गेहूं के भाव में उठाव देखने को मिला। 7 सितंबर को यहां गेहूं का भाव रहा 2,220 रुपए, 8 सितंबर को इसके सौदों में 20 रुपए की तेजी आई और भाव 2,240 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं उत्तर प्रदेश के मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो यहां गुरुवार को दूसरी कृषि उपज मंडियों के मुकाबले अधिक आवक देखने को मिली। भाव पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में 7 सितंबर को धारा गेहूं का भाव था 2,300 रुपए, 8 सितंबर को इसके सौदे 15 रुपए चढ़कर 2,315 रुपए पर हुए। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 1963-64 के दौरान देश में कुल गेहूं का उत्पादन 98,50,000 टन का हुआ था और अब साल 2021-22 के दौरान गेहूं की पैदावार में खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है और इस साल गेहूं का कुल उत्पादन 10,68,00,000 टन के पार जा सकता है। वही बात गेहूं के निर्यात की करें तो देश में होने वाला गेहूं का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2021-22 के दौरान 70,00,000 टन रिकॉर्ड गेहूं का निर्यात किया है। तो गेहूं के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से उत्पादन के क्षेत्र में लगातार हम तरक्की कर रहे हैं। अब बात करते हैं दलहन के, अरहर पर नजर डालते हैं और नजर डालते हैं इसके अलग अलग मंडियों में कैसे रहे भाव। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो यहां पर अरहर का भाव रहा 6,000 रुपए, मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 6,400 रुपए,
राजस्थान के लालसोट मंडी में भाव रहा 4,340 रुपए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 6,570 रुपए। सही भाव आवक और अरहर के बाद आइए बात कर लेते हैं मसूर की। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में मसूर का भाव रहा 7,440 रुपए, बरेली मंडी में भाव रहा 6,850 रुपए, इलाहाबाद मंडी में भाव रहा 6,900 रुपए और महोबा मंडी में भाव रहा 6,200 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात होगी चना, गुड़ और अलसी की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली, द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात, प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के हिस्से में अब जानेंगे गुड़ और अलसी के बारे में, लेकिन पहले नजर चना पर। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। बात भाव की करें तो गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में चने के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान चने के भाव में नरमी भी देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धूल मंडी में 7 सितंबर को चने का भाव रहा 3,840 रुपए, 8 सितंबर को इसके भाव में 135 रुपए की तेजी आई और भाव 3,975 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राजस्थान के जयपुर मंडी में चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 7 सितंबर को चने का भाव था 3,971 रुपए, 8 सितंबर को इसके सौदों में 308 रुपए की उछाल आई और भाव पहुंच गया 4,279 रुपए पर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में इस दौरान देसी चने के भाव में उठाव देखने को मिला। यहां 8 सितंबर को देसी चना 20 रुपए चढ़कर 5,540 रुपए पर बिका। हालांकि राज्य की ही इलाहाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी चने के भाव में अस्थिरता बनी हुई है। यहां 7 और 8 सितंबर को देसी चना 5,300 रुपए पर बिका। देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर रबी चने की उपज में 18,40,000 टन की बढ़ोतरी होने का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी चने की पैदावार 1,37,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान उपज 1,19,10,000 टन ही रही थी। वही बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन के रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,76,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22,30,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं उड़द की और नजर डालते हैं उड़द के भाव पर। शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर उड़द का भाव रहा 6,000 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की अकोला मंडी की बात करें तो यहां पर भाव दर्ज किया गया 3,105 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 5,800 रुपए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 7,520 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो बात हुई दलहन की, आइए बात कर लेते हैं गुड़ की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गुड़ की आवक सामान्य है। गुरुवार को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाले के लिए पहुंचा। बात गुड़ के भाव की करें तो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में लाल गुड़ का भाव रहा 3,550 रुपए। वही बस्ती मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 3,960 रुपए। दादरी मंडी में गुड़ का भाव रहा 3,700 रुपए।
जबकि राज्य की महोबा मंडी में इस दौरान गुड़ के सौदे 3380 रुपए पर हुए। वही गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को विश्व में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपीडा के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान भारत ने विश्व में 2,659 करोड़ रुपए यानी 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के 6,31,895 मेट्रिक टन से अधिक गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने के पैदावार में अच्छी खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान गन्ने की उपज 45 करोड़ 18 लाख 12 हजार टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 40 करोड़ 53 लाख 99 हजार टन रही थी। गुड़ के बाद अब नजर डालते हैं मूंग के भाव पर। राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहां पर मूंग का भाव रहा 5,800 रुपए, विजयनगर मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए, मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 4,200 रुपए और गुजरात के राजकोट मंडी में भाव रहा 6,525 रुपए। और आइए बात कर लेते हैं अलसी की। इस साल रबी अलसी की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। घरेलू स्तर पर अलसी की उपज बीते साल के मुकाबले 22,000 टन अधिक हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अलसी के भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में रबी अलसी की पैदावार 1,33,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान अलसी की उपज 1,11,000 टन ही रही थी। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अलसी की आवक सीमित बनी हुई है। गिने चुने मंडियों में ही गुरुवार को अलसी बिकवाले के लिए पहुंची। बाद अलसी के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में गुरुवार को अलसी का भाव रहा 5,501 रुपए। उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी में इस दौरान अलसी के सौदे 7,670 रुपए पर हुए। तो अभी हमने जाना अलसी के बाजार भाव के बारे में। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे लहसुन और मेथी दाना का हाल। आप बने रहे मंडी खबर के साथ। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर, कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो डर ना फिकर की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करते हैं लहसुन की। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। आपको बता दें कि बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रहा था। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 17,643 टन रहा था। और आइए अब नजर डालते हैं ग्वार के भाव पर।
गुजरात की धूल मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,150 रुपए, हलवद मंडी में भाव रहा 4,650 रुपए। धूल मंडी की बात करें तो 4,150 रुपए रहा, हलवद मंडी में आप देख सकते हैं कि भाव रहा 4,650 और विजयनगर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए, जयपुर मंडी में भाव रहा 4,631 रुपए। बढ़ते आगे और बात करते हैं मूंगफली की। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंगफली का भाव रहा 6,125 रुपए, जसदण मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए, धोराजी मंडी में भाव रहा 5,630 रुपए, हलवद मंडी में भाव रहा 6,250 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए अब आखिर में बात करते हैं मेथी दाना की। कृषि उपज मंडियों में मेथी दाना की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो गुरुवार को गुजरात की जसदण मंडी में मेथी दाना का भाव रहा 4,800 रुपए, राजकोट मंडी में मेथी दाना का भाव रहा 5,150 रुपए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो इस दौरान मेथी दाना के यहां पर सौदे 4,400 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मेथी दाना की उपज में 5% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है, जिसका असर मेथी दाने के बाजार पर पड़ सकता है। इसके भाव पर असर देखा जा सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में मेथी दाना की पैदावार 2,48,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मेथी दाना की उपज 2,41,000 टन रही थी। यानी इस साल मेथी दाना की पैदावार बीते साल के मुकाबले 7,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो मेथी दाना के बारे में हमने आपको बताया कि इसकी पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है और इसका असर बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की तरफ से जो अनुमान जारी किया गया है उसके अनुसार मेथी दाना में भी हम इस बार इसकी उपज में इजाफा देख सकते हैं। और भारतीय मसालों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मसालों की अच्छी खासी मांग रहती है और निर्यात मांग भी लगातार हम इसकी देखते हैं। और अगर मेथी दाना की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस बार इसकी उपज और बेहतर रह सकती है, जिसका असर बाजार भाव पर पड़ सकता है। अगर निर्यात में भी इसी तरीके का अच्छा रुझान रहा तो हो सकता है कि घरेलू स्तर पर भी जो भाव है वो ज्यादा नरम ना हो, लेकिन अगर उपलब्धता अधिक रहती है तो हो सकता है कि इसके भाव में भी असर देखने को मिले। लेकिन फिलहाल अभी जो अनुमान है उसके मुताबिक जो पैदावार है वो बीते सीजन के मुकाबले इस बार अधिक देखने को मिल रही है, और जो बाजार के फैक्टर हैं उसके अनुसार इसका भाव पर असर पड़ सकता है। हो सकता है भाव में नरमी भी देखने को मिले। तो ये था आज का मंडी खबर, जिसमें हमने आपको दलहन के बारे में भी जानकारी दी, गेहूं के बारे में बताया कि गेहूं के बाजार में फिलहाल स्थिति क्या है, और साथ ही हमने आपको मसालों में मेथी दाना के भाव के बारे में बताया कि बाजार भाव क्या है और फिलहाल अनुमान क्या है इसके पैदावार को देखते हुए। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस आपको करना ये होता है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करें और देखें मंडी खबर कार्यक्रम @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इस पर आप मंडी खबर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए उन्हें लाइक करें और कमेंट के माध्यम से आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, अपनी राय भी जाहिर कर सकते हैं। तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, और आप हमारे तमाम जो अपडेट्स हैं हमारे अलग अलग ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं मंडी खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मंडी खबर में तमाम जिनसों के भाव और बाजार के उतार चढ़ाव पर लगातार हम ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।